समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाए गए किसानों की चौपाल में बोलते हुए मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी असद ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन सभी बिलों का बहिष्कार करने की बात कही जो पिछले 6 सालों में मोदी सरकार लेकर आई है। इसमें कृषि बिल भी शामिल है। वहीं सपा सांसद ने उन उद्योगपतियों के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया जो केंद्र की मोदी सरकार के साथ है। सपा सांसद ने अडानी और रिलायंस ग्रुप का नाम लेते हुए कहा कि अब इस इलाके में इनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकने देंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन पर फैले भ्रम पर बोले कि ये सब अफवाह है, इनमें कोई सुअर की चर्बी नहीं है, वो केवल एक दवाई है और ये कोरोना वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। जैसे आप सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पूरे देश का किसान आज परेशान है। किसान को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, अपने भविष्य की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है कि आखिर इनका क्या होगा। इस सरकार ने तमाम और चीज़ें तो देश की गिरवी रख दी, अब किसान की ज़मीनें भी गिरवी रखी जाने वाली हैं। जो कानून बने हैं उसमें गरीब इंसान की कोई ख्याल नहीं रखा गया। फसल के ऊपर रेट कुछ और होंगे रोज़मर्रा की चीज़ों के, और फसल के 3 महीने बाद रेट कुछ और हो जाएंगे। गरीब आदमी कैसे अपनी जीविका चलाएगा। जो बिल पास हुए हैं उन बिलों की हम जोर मुखालफत करते हैं और हमने पार्लियामेंट में ही मुखालफत करी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका मुसलसल विरोध किया है और आज भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने फैसले लिए हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो जो कॉरपोरेट घरानों को किसानों को गिरवी रखा जा रहा है, उन कॉरपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का हम बायकॉट करेंगे। उनके कोई प्रोडक्ट यहाँ पे किसी दुकान पे नहीं बिकेगा, ना ही कोई ख़रीदने वाला उनको मिलेगा। अब उनको बाज आ जाना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है, और आप लोग भी जानते हो कि कॉरपोरेट घराने पूंजीपति लोग जन सेवा के लिए नहीं आते हैं, उन्हें तो पैसे की कमाई करनी है। जब वो आ जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, किसान का क्या हाल होगा, गरीब का क्या हाल होगा, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। वो कॉरपोरेट घराने कौन कौन से हैं जिनके बारे में सुना जा रहा है? अडानी अंबानी है और भी बहुत से होंगे। वो तो पूंजीपति लोग हैं, वो आएंगे अपने बड़े बड़े गोडाउंस बनाएंगे, होल्ड करेंगे, होल्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, रेट अपने हाथ में ले लेंगे, वही सट्टा बाजार हो जाएगा रेट का, जो शेयर बाज़ार होता है उसी पे सट्टे लगा करेंगे। गेहूं के रेट जो है दिसंबर में इतने होने हैं और जनवरी में इतने होने, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा। सरकार ने MSP का कोई जिक्र नहीं किया इसमें। मैंने पूरा बिल पढ़ा है। MSP की गारंटी लेने की हम बात कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप गारंटी ले लो, MSP से नीचे कोई ना खरीदे, और इस बात की भी गारंटी लो कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस से ऊपर कोई ना बेचे, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। और किसानों को उनके स्वामित्व का, उनकी ज़मीन से कोई ज़बरदस्ती बेदखल ना करे, कोई ज़बरदस्ती उनसे कोई कॉन्टैक्ट ना करे। सांसद जी, एक सवाल था मेरा, कोरोना जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में एक भ्रम फैल गया है कि उसमें सुअर का मांस या इस तरह के यूज़ हो रहा है। आप डॉक्टर हैं, आप सांसद भी हैं, क्या है आपका नज़रिया? एक भ्रम है पूरे देश में, भ्रम फैल गया है। देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मुझे मालूमात है ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं। ये वैक्सीन उस प्रोटीन से बनाई जाती है जो कोरोना वायरस के ऊपर होती है। एक एंटीजन डेवलप किया जाता है, उससे इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। इसमें चर्बी सर्बी का कोई सवाल नहीं। मतलब आपका नज़र है कि वैक्सीन लगवाई जाए? यकीनी तौर पर वैक्सीन लगवानी चाहिए। Thank you.